Hello everyone, in this video you will get to know how we can create frequency polygon from histogram. A frequency polygon is a polygon produced by joining a line segment of the midpoints of the top rectangles in a histogram curve. So, frequency polygon कैसे create किया जाता है? Frequency polygon histogram की help से create किया जाता है. Histogram में आप क्या करते हो? जो bins होते हैं, intervals होते हैं, right? Or you can say bars. Bars की mid पॉइंट को फाइंड आउट किया जाता है, राइट? बार्स के मिड पॉइंट को फाइंड आउट किया जाता है और उन मिड पॉइंट्स को किसकी हेल्प से ज्वाइन करते हैं? लाइन ग्राफ की हेल्प से ज्वाइन करते हैं, राइट? तो ये लाइन ग्राफ होता है, इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इंटरवल्स के या फिर आप कह सकते हो कि आप बार्स के मिड पॉइंट को फाइंड आउट करोगे. यहाँ पे जो ग्राफ दिया है वो स्टेप की फॉर्म में, राइट? तो इसके मिड पॉइंट को आपने किसकी हेल्प से ज्वाइन किया है? लाइन सेगमेंट, ओके? और यू कैन सी लाइन ग्राफ, ओके? एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्रिक्वेंसी पॉलीगन. इट्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ ह्यूज डेटा फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस. तो ये क्या है? डेटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. पिक्चर की फॉर्म में आप डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका डेटा एनालिसिस में यूज किया जाता है, राइट? ओके, तो फर्स्ट हमें क्या क्रिएट करना है? हमें हिस्टोग्राम क्रिएट करना है जिसके लिए चाहिए डेटा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैंडम डेटा को जनरेट करेंगे, राइट? इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, राइट, एस पी एल टी. मैंने क्या किया है, मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया है. नेक्स्ट मैं इम्पोर्ट कर रही हूँ इम्पोर्ट नम पाई एस np numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है. नेक्स्ट हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट रैंडम रैंडम, ओके, रैंडम मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट कर लिया है. नाउ x इक्वल टू np डॉट रैंडम, ओके, डॉट रेंट इंट. तो हम रैंडम मॉड्यूल के रेंट इंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं. मुझे नंबर्स चाहिए 10 से लेकर 70 तक, राइट? और कितने नंबर्स चाहिए? मुझे चाहिए 50 नंबर्स, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट आपने क्या किया है, इनको प्रिंट करा दिया, राइट? आपने रैंडम नंबर्स को प्रिंट करा दिया. इसको एग्जीक्यूट करते हैं. नाउ हियर वी हैव गॉट द डेटा, राइट? अब इस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे किसके लिए, हिस्टोग्राम को क्रिएट करने के लिए. तो मैं यहाँ पे करती हूँ इम्पोर्ट इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी, राइट? एंड वी हैव गॉट द डेटा, जिसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे यहां से. इस डेटा को आपने क्या किया है, कॉपी कर लिया, ओके? सी नाउ ये डेटा क्या है, ये कोमा सेपरेटेड नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कोमा सेपरेट करना पड़ेगा. आपको अपने डेटा को कोमा सेपरेट करना होगा. तो हम इसको क्या करते हैं, डेटा को कोमा सेपरेट कर लेते हैं, राइट? ओके, नाउ वी हैव गॉट द डेटा, राइट? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा हमारे पास आ गया है, हम अपने खुद के इंटरवल्स ले सकते हैं. क्योंकि मेरा डेटा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 10 से, तो मैं करती हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 और मैंने कहाँ तक लिया था, 70 तक. तो मैंने बिन्स की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दिया है 10 से लेकर 70 तक, राइट? और यहाँ पे हम देख भी लेते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी वो 70 तक ही होगी, राइट? उससे ऊपर नहीं होगी, राइट? तो ये हमने बिन्स की वैल्यू ले ली, ओके? नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हिस्टोग्राम को प्लॉट करना है. तो पी एल टी डॉट हिस फंक्शन, हिस फंक्शन में आपने क्या पास कर दिया, डेटा पास कर दिया, एंड आपने क्या पास कर दिया, आपने बिन्स बिन्स पास कर दिया, जिसकी वैल्यू कहाँ पे है, एल वेरिएबल के अंदर है, राइट? ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको टाइटल दे देते हैं, ओके? तो आपने दे दिया पी एल टी डॉट टाइटल, टाइटल मैं दे देती हूँ फ्रिक्वेंसी पॉलीगन, क्योंकि हम वो क्रिएट करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, राइट? ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, हम टाइटल दे देते हैं एक्स लेबल, मतलब एक्स एक्सिस को. तो यहाँ पे आएगा आपका एक्स लेबल, एक्स लेबल में मैं दे देती हूँ बिन्स, राइट? यहाँ पे हमने दे दिया बिन्स, फाइन. फिर हमने दे दिया है पी एल टी डॉट वाई लेबल, वाई लेबल में आप दे देंगे डेटा, राइट? ओके, एंड देन नेक्स्ट आपका क्या है, पी एल टी डॉट शो फंक्शन, जिससे आपका क्या होगा, हिस्टोग्राम
डिस्प्ले होगा. फाइन, नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस. सी, अब आपका यहाँ पे हिस्टोग्राम क्रिएट होके आ गया है. फाइन, तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है. हमने क्या कंप्लीट कर लिया है? हमने हिस्टोग्राम को क्रिएट कर लिया है. फाइन, और यहाँ पे इसके देखो इंटरवल्स जो आपने डिफाइन दिए थे 10 to 20, 20 to 30, दीज आर द इंटरवल्स. ओके, अब हमें क्या करना है? मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है इस इंटरवल का. राइट, आपको क्या करना है? मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. राइट, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका हिस्ट फंक्शन है, राइट, ये क्या करता है? ये 3 वैल्यूज को रिटर्न करता है, 2 एरेस को रिटर्न करता है और 1 ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है. तो ये हम क्या करते हैं, इस वैल्यूज को हम इससे ले लेते हैं. x ले लिया हमने वेरिएबल, y वेरिएबल ले लिया और हमने ले लिया temp, ओके, इक्वल्स टू plt.hist, ओके. और यहाँ पे देखेंगे कि x की वैल्यू क्या है. फाइन, तो ये जो 2 एरेज आते हैं, एक में क्या आती है? डेटा आता है, डेटा फ्रीक्वेंसी, और एक में क्या आता है? बिन्स की वैल्यू आती है, इंटरवल्स की वैल्यू. राइट, तो नाउ सी, प्रिंट कराते हैं यहाँ पर, प्रिंट एक्स की वैल्यू, राइट, प्रिंट वाई, वाई की वैल्यू, एंड देन प्रिंट, प्रिंट आपने करा दिया टेम्प, जिसके अंदर आपका क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे. एग्जीक्यूट किया आपने इसको. नाउ लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये देखो आपका क्या आया है, यहाँ पे आपका आया है डेटा. राइट, लुक सी, ये वाला क्या है, जो एक्स की वैल्यू है, ये क्या है? ये आपका यहाँ से डेटा निकल के आया है. राइट, और जो आपकी ये वाई की वैल्यू है, वो क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी बिन्स की वैल्यू है, इंटरवल्स की, 10, 20, 30, 40, 50. और ये आपका जो अबव है, वो क्या है? डेटा की फ्रीक्वेंसी है, कि 12, जो 12 वैल्यूज आई है, किसके बीच में आई है? 10 और 20 के बीच में आई है. सी, लुक एट दिस नाउ, सी, मैं स्क्रॉल करके दिखाती हूँ. देखो यहाँ पे देखो, नाउ ये जो 12 आया है, 12 मतलब 10 और 20 के बीच में कितनी वैल्यूज आती है? 12. फिर आपकी 20 और 30 के बीच में कितनी वैल्यूज आती है? 7. ओके, देन आपकी 30 और 40 के बीच में कितनी वैल्यूज आती है? 11. ओके, 40 टू 50 के बीच में आपकी 10 वैल्यूज. तो यहाँ पे जो फर्स्ट है, एक्स में इसने क्या शो कर दिया? डेटा को शो कर दिया, और इसने वाई में शो कर दिया आपका बिन्स की वैल्यू को. राइट, एंड जो टेम्प में है, टेम्प के थ्रू इसने ऑब्जेक्ट को क्या किया है? रिटर्न किया है. राइट, अब हमारे हमें क्या चाहिए? हमें बिन्स की मिड वैल्यू चाहिए, दिस वैल्यू. राइट, हमें बिन्स की मिड वैल्यू चाहिए, जो यहाँ पे होगी बिन्स की मिड वैल्यू. राइट, जिसकी हेल्प से हम क्या क्रिएट करेंगे अपना. ओके, अब हमें क्या करना है? मिड पॉइंट निकालना है. राइट, तो हम मिड पॉइंट निकालेंगे. यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट फोर ईच बार ऑन हिस्टोग्राम. राइट, आपको मिड पॉइंट निकालना है. राइट, अब हम क्या करेंगे? मिड निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, 0.5. ओके, 0.5 आपका क्या है? 1/2. ओके, इंटू वाई, वाई This plus, अभी मैं आपको समझाऊंगी कि कौन सा फॉर्मूला है ये. ओके, 1 - 1 - 1. राइट, ये आपका मिड पॉइंट निकलेगा, और आपने मिड पॉइंट को यहां पे प्रिंट करा दिया, मिड प्रिंट. ओके, लुक एट दिस नाउ, सी, इसको एग्जीक्यूट करेंगे. एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका मिड पॉइंट निकल के यहाँ पर आ गया है. नाउ यू कैन सी, ये आपका मिड पॉइंट है. आपका 10 टू 20 के बीच में 15 आया है, 20 टू 30 के बीच में 25 आया है. ओके, और 30 टू 40 के बीच में 35 आया. तो मिड पॉइंट कैसे निकला? देखो वाई, यहाँ पे आप देखोगे, नाउ सी, सी देखो, आपकी वाई की वैल्यू जो आपने दिया है वाई 1, तो वो क्या है? 10. दिस वैल्यू आपकी जो है, देखो वाई 1 की वैल्यू क्या है? 10. और वाई माइनस 1 में क्या आएगा? 20. फाइन, और इसको हमने क्या किया है? 10, ओके, प्लस 20, राइट, एंड डिवाइडेड बाय 2.
ओके तो इस इंटरवल की आपकी मिड की वैल्यू निकल के आ जाएगी, आपकी यहाँ पे मिड वैल्यू निकल के आ जाएगी 15। फाइन, यही फॉर्मूला हमने ऊपर लगाया है, लुक एट दिस, मैं आपको दिखाती हूँ, यही आप अब करो। तो आपने क्या किया है, वाई वन, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 10 दिस, ओके, एंड वाई माइनस वन 20, ये मतलब ये स्टार्टिंग ऑफ वाई जो आपने स्टार्टिंग इंटरवल की वैल्यू है और ये क्या है एंडिंग जो वैल्यू है, राइट। फाइन, 10, 20 और आपने डिवाइड कर दिया इसको बाय 2 और यू कैन से आपने मल्टीप्लाई कर दिया इससे 0.5 से, तो इस पर्टिकुलर इंटरवल की ये क्या आ जाएगी मिड वैल्यू निकल के आ जाएगी। मिड वैल्यू आ गई आपकी, मिड वैल्यू निकल के यहाँ पर आ गई है, ओके, मिड पॉइंट हमारा आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इस मिड पॉइंट को प्लॉट करना है, plt.plot, प्लॉट में आप क्या पास करोगे, मिड पॉइंट को पास करोगे, मिड वैल्यू को, और आप एक्स की मतलब डेटा की वैल्यू को पास करोगे। फाइन, और यहाँ पे आप दे दो, आप यहाँ पे दे दो सिंबल भी, ठीक है, मार्कर भी दे दिया मैंने लाइन प्लॉट के लिए। नाउ यू विल एग्जीक्यूट दिस, यहाँ पे जो plt.plot है इसे हम क्या करें, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन क्रिएट करें विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट एंड द डेटा, राइट। नाउ एग्जीक्यूट दिस, नाउ लुक एट द पिक्चर, आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन निकल के आ गया। देखो यहाँ से इस फर्स्ट बार का मिड पॉइंट, सेकंड बार का मिड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ एंड लाइक दिस, तो ये आपका क्या क्रिएट हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्रिएट हो गया। फाइन,